डर नहीं लगता चढ़ने में? ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्पाइडर गर्ल का ये कमाल, देखिए कैसे ये चढ़ रही है दीवार पे, ये ऊपर जाके राउंड भी लगा रही है, वाह क्या बात है ये। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम पटना के दानापुर में खड़े हैं, अभी हम स्पाइडर गर्ल से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं इसे और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये संभव हो पाता है कि ये दीवार पर चढ़ जाती हैं। तो इनके पापा के थ्रू कॉन्टैक्ट हुआ, तो चलिए आपको भी हम मिलवाते हैं स्पाइडर गर्ल से, जिसका नाम है, एक का नाम है कृपिता, एक का नाम अक्षिता। तो इनसे मिलवाते हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि ये कौन से कक्षा में हैं और इतनी कम उम्र में ये कैसे ये सब कर लेती हैं। आपका नाम बताइएगा। अक्षिता गुप्ता। अक्षिता गुप्ता, आप दीवार पे चढ़ती हैं? हाँ। हाथ और पैर के सहारे चढ़ती हैं? हाँ। कैसे कैसे इसको कर रहे हैं, कब से ऐसा आपको लगा कि ये आप कर पा रहे हैं? हमको तो उतना याद नहीं है, फिर मम्मी पापा बताते कि 3-4 साल से हम शुरू कर दिए थे, और क्यों हम शुरू किए तो हमको भी आज तक पता नहीं चला। नहीं, आपके आपके बचपन के बारे में जहाँ तक हमने रिसर्च किया, हमें ये मालूम चला कि आप मतलब शरारतें करती थी और दीवार पे चढ़ती थी, आपको मम्मी मना करती थी कि मत चढ़ो गिर जाओगी। हाँ। फिर भी आप चढ़ के वहाँ पे रुक जाती थी, फिर देखने लगती थी, ऐसा कुछ था? हाँ, ये मम्मी पापा से छुप छुप के भी चढ़ते थे, क्योंकि मम्मी पापा डांटते थे कि मत चढ़ो गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। अच्छा, अभी आप तो बिहार के, बिहार ही नहीं हम कहें कि पूरे देश में ये वीडियो चल रहा है, आप स्पाइडर गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी हैं और ये पटना दानापुर तो आपको बिल्कुल प्यार भरा मतलब वो कर रहा है कि एकदम इतनी छोटी बच्ची कैसे इन चीज़ों को कर पा रही है। हाथ में कोई गम उम लगा के चढ़ती है क्या, कैसे चढ़ जाती है? बस चढ़ लेते हैं, बचपन से ही प्रैक्टिस करते थे, अब पूरा हो गया है, चढ़ लेते हैं। अच्छा, हाथ से ऐसे ग्रिप बना लेते हैं दीवार पे? हाँ। मतलब कोई इसमें फ्रिक्शन वाली या फिर कोई फ्रिक्शन मूवी जैसा हमको तो फील हो रहा है? नहीं। तो एक बार आप हमें चढ़ के बताएंगे? हाँ ठीक। अच्छा, आपके साथ आपकी बहन भी चढ़ती है? हाँ। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं, अपना नाम आप बताइएगा। कृपिता गुप्ता। कृपिता गुप्ता, आपके हाँ। साथ भी सेम चीजें हैं? हाँ, हम दीदी को देखते थे तो फिर हम भी ट्राई किए, शुरू में तो हम आधा ही चढ़ते थे लेकिन फिर ऊपर तक चढ़े। अच्छा, ऊपर तक, मतलब कैसे, मतलब ऐसे प्लेन दीवारों पे चढ़ती हैं या फिर सिर्फ पिलर पे? नहीं, अभी तो पिलर पे चढ़ते हैं। अच्छा, ये कॉर्नर वाले दीवार पे भी चढ़ती हैं? जैसे ये देखिए, ये पीछे जैसे कॉर्नर है, इस कॉर्नर वाले भी दीवार पे भी चढ़ती हैं ऐसा शायद हमने सुना कि कॉर्नर वाले पे चढ़ती हैं? नहीं, बस पिलर वाले पे। देखिए, ये भी बहुत ही बड़ी काबिलियत तारीफ वाली बात है कि पिलर वाले दीवार पे इतना ये चिकना और स्मूथ होता है कि इस पे चढ़ना मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि इस पे भी चढ़े हम, और इस पे ये लोग चढ़ती हैं। अगर गांव के, अगर गांव में अगर देखा जाए तो ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है, उस पे भी अगर लोग चढ़ते हैं तो पैर में वो एक रस्सी लगा के चढ़ते हैं, और ये इतना स्मूथ दीवार है, इस पे ये बिना कोई सहारे के ऐसे हाथ और पैर से चढ़ जाती हैं, ये बहुत ही तारीफ वाला बात है। तो एक बार हम चढ़ने के लिए बोलेंगे और देखेंगे कैसे चढ़ती हैं, एक बार दिखाइए हमको आप करके। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्पाइडर गर्ल का ये कमाल, देखिए कैसे ये चढ़ रही है दीवार पे, कितना ये कठिन काम है चढ़ना, देख लीजिए आप, ये ऊपर जाके राउंड भी लगा रही है, वाह क्या बात है, ये राउंड भी लगा पा रही हैं, ये देखिए कितना ये बहुत ही एक टैलेंट है इनके अंदर जो किसी और के पास नहीं है, अद्भुत टैलेंट है, भगवान ने इसको एक ऐसा टैलेंट दिया है कि दीवार पर चढ़ जाती है और उतर जाती है। देख, आप देख सकते हैं, आप भी चढ़ जाते हैं, आप भी एक बार ट्राई करें, छोटी आप है ना? हाँ। छोटी, देखिए छोटी, ये छोटी है, ये चढ़ के दिखाएंगी, चढ़ के दिखाइए एक बार आप, डर नहीं लगता चढ़ने में? ये देखिए, ये देखिए क्या बात है, स्पाइडर गर्ल, यही स्पाइडर गर्ल, ये देखिए कितना बेहतरीन ये चढ़ पा रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस में, पूरा दूर से ले लो पूरा कि कितना हाइट पे ये चढ़ रही हैं, ताकत भी लगता चढ़ने में इस पे? नहीं, पसीना आ गया आपके नाक पे? हाँ। ताकत तो लगता ही होगा चढ़ने में। चलिए, बहुत बहुत ही एक कमाल का, ये एक अजूबा से कम नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ये अजूबा है ये जो कर रही है, काबिलियत तारीफ वाली बात है। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार सरकार से या खेल मंत्रालय से आप ऐसा कुछ आपका मांग है कि आपको ये टैलेंट के लिए आपको कोई एकेडमी में रखा जाए और करवाया जाए? क्योंकि बिहार में तो इस तरह का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो बिहार में भी खोलना चाहिए जहाँ पे इस तरह का ट्रेनिंग के लिए ये दिया जाता है। अच्छा, फिलहाल अभी इन चीज़ों को आप घर में ही करते हैं, अपने ही मतलब इस पिलर पे करते हैं? हाँ। और मतलब कोई अदर तरीका का स्टंट वगैरह भी आप सोच रहे हैं करने का? अभी तो नहीं देखे है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करने पे करते हैं। हाँ। तो ओवरऑल कह लें कि इनके लिए अगर कोई एकेडमी हो जिसमें ये जाएं और अपना ये प्रदर्शन दिखाएं,
ताकि देश दुनिया में नाम रोशन हो, ये भी गोल्ड मेडल लेकर के आएँ, तो हम यही चाहेंगे कि इनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि ये भी गोल्ड मेडल लेकर के आएँ, क्योंकि ऐसे टैलेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब कहें ना कि हज़ारों में हीरा है, वही चीज़ है कि इसमें लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी खेल का विभाग है वो एक एकेडमी खोले जिसमें कि जो बच्चे के अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा को वो चीज़ दिखाएं और उसमें सेलेक्ट करें और वहाँ पे इन चीज़ों को करवाएं ताकि ये बहुत ही आगे जाएं। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं पूरे बिहार के लिए तो आप बोलिए, उन बच्चों के लिए जो आपसे सीखना चाहते हैं। कि जिस तरह जिन्हें जो चीज़ पसंद है उस चीज़ को करना चाहिए और ये जो स्टैंड है ये घर में ट्राई ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग का एक YouTube चैनल भी है अक्षता कृपता स्पाइडर गर्ल्स, तो उसे सब्सक्राइब, उधर पब्लिक को देख के बता दीजिए। हम लोग का एक YouTube चैनल है अक्षता कृपता स्पाइडर गर्ल्स, उसे सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। जी जी बिल्कुल, इनका सपोर्ट करें, हम भी इनका बहुत ही सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, इनका इनका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि अपना ये कला को अपने चैनल के माध्यम से रेगुलर दिखा सकें।